सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। होड़म की घरम पट्टी की गलियां तालाब में परिवर्तित हो रही हैं, जिसके कारण यहां मकान फटने लगे हैं और कई मकान जल भराव के कारण गिर गए हैं। इसके कारण लोगों को यहां से पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहां के निवासियों ने सरकार और प्रशासन को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि होडल घारम पट्टी के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दिखाई दे रहा ये नजारा होडल घारम पट्टी का है और ये रास्ता पुरान जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये रास्ता मेवात के करीब सैकड़ों गाँव से होकर जुड़ता है, लेकिन 2 साल से यहां की सड़कों ने जल भराव के कारण तालाब का रूप ले लिया है। इसकी वजह से कई मकानों में दरारें आने लगी हैं और कई मकान तो फटने के कारण गिर भी गए हैं। लोगों में बीमारियां भी फैलने लगी हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहां के निवासियों ने बताया कि कई बार यहां के प्रशासन और नेताओं और सीएम विंडो तक भी वो शिकायत लगा चुके हैं, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं पड़ा है। लोगों ने बताया कि मकान गिरने के कारण लोगों को यहां से पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन नींद से नहीं जागा तो हम प्रशासन के दरवाजे पर जाकर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। गलियों में पानी भरा हुआ, मेन सड़क पर पानी भरा हुआ, जिसके कारण हमारे घर बिल्कुल गिरने वाले हैं। कुछ घर गिर भी चुके हैं, मकानों में दरारें आ चुकी हैं, अंदर भी पानी भर रहता है, इसके कारण अनेकों बीमारियां भी फैली जा रही हैं। सभी से शिकायत की लेकिन कहीं पर कोई नहीं सुनता। अब हम इतने मजबूर हैं कि हम यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं। तो ये बता जा रहा है कि यहाँ जैसे मकान भी फट चुके हैं, मकान दरार भी आ गई। हाँ बिल्कुल, मकान गिर चुके हैं, फट चुके हैं, और अगर जहाँ पे आप बैठे हो इस जगह भी ये मकान भी फटा हुआ, अगर गिरा तो इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे। 2 साल और 1.5 साल के लगभग टाइम होगा जी, जब से नालियाँ और इसकी जो छोटी छोटी सीवर लाइन उन्होंने डाली वो बंद हो गई है, उनमें पानी हमेशा भरा रहता है। ब्लॉक हुए पड़े रास्ते चारों तरफ से, कहीं से कोई रास्ता नहीं। अक्सर बच्चे तो इसमें गिरते ही जाते, मोटरसाइकिलें जो भी निकलती हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये रास्ता जो है मेवात के लिए मेन रास्ता है, यहाँ से पुराना रोड लिंक है, तो इस पे जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो शासन को, प्रशासन को और यहाँ के रहने वालों को, रिहायशी लोगों को भी गालियां देते हुए निकलते हैं कि वो बच्चों समेत गिरते हैं इस पानी में। सत्य खबर के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।